वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव कुकिंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रीम फ्रॉस्टिंग की रेसिपी। आज मैं आपके साथ फ्रॉस्टिंग क्रीम बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूं। और इसे बनाने के लिए हमें किसी भी व्हिपिंग क्रीम या फिर क्रीम की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस फ्रॉस्टिंग क्रीम को आप केक डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे किसी भी डेजर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस क्रीम फ्रॉस्टिंग को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, 4 टेबलस्पून विनेगर, 5 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर, 50 ग्राम्स बटर, वनीला एसेंस। तो चलिए अब हम ये रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, गैस को मैंने ऑन कर लिया है और अब इस पैन में मैं ऐड करूँगी फुल क्रीम मिल्क। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे बिल्कुल हाई रखा है और इस मिल्क को हम अच्छे से स्टर करके इसे बॉईल कर लेंगे। 5 मिनट के बाद यहाँ पर दूध बॉईल होने लगी है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर। हम एक साथ सारा विनेगर ऐड नहीं करेंगे, विनेगर को हम दूध के साथ अच्छे से स्टर करके मिक्स करेंगे। विनेगर ऐड करने के बाद यहाँ पर मिल्क अच्छे से कर्डल हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। अब मैं इस दूध को स्ट्रेन कर लूंगी। दूध बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम इसे बहुत केयरफुली स्ट्रेन करेंगे। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसे अच्छे से वॉश कर लूंगी ताकि विनेगर का टेस्ट चला जाए। मैं लूंगी एक ब्लेंडर जार और इसमें हम ऐड कर देंगे इस पनीर को। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 3 to 4 drops ऑफ वेनिला एसेंस। इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बटर और हम इसे एक बार अच्छे से फिर से ब्लेंड कर लेंगे। क्रीम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गई है तो अभी मैं इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लूंगी। क्रीम को यहाँ पर मैंने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर। पाउडर्ड शुगर को हमें अच्छे से सीव करके ऐड करना है। पाउडर्ड शुगर को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस क्रीम के साथ। तो यहाँ पर हमारी टेस्टी क्रीम फ्रॉस्टिंग बनकर रेडी हो गई है। इससे आप किसी भी केक को डेकोरेट कर सकते हैं या फिर आप इसे किसी भी डेजर्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही स्मूथ और टेस्टी बनी है। आप इस क्रीम फ्रॉस्टिंग को एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में 3 to 5 days के लिए इजिली स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में इस क्रीम फ्रॉस्टिंग का यूज़ करके मैं एक डेजर्ट की रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और अपने नेबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।